नमस्कार कर भगवान को सुभ्यम नमस्त त्रिभुवनाथ हराय नाथ सुभ्यम नमः शीतला मल भूषणाय सुभ्यम नमः शीतला परवेश्वराय सुभ्यम रोज मुरुषोषणाय ओम विष्णु जय नमोस्तु 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 हे देव नमोस्तु 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 मोक्ष मार्गस्थ नित्तारं नित्तारं प्रभुतां ज्ञातारिष्टत्वानां वंदे तदुतद्दे सरस्वती मस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ भी स्वातश्चं निर्वाणी चरणेभ्यो नमो नमः उमा समय आचार्य गुरुदेव की जय मोक्षात ग्रंथराज की जय गुरुराज गुरुदेव की जय। कल हम लोग पढ़ रहे थे 12 अनुपृक्षाओं का चिंतन कर्मों के संवर के लिए गुप्ती इसमें धर्मान परीक्षा तो अनुपृक्षा में चल रही है। अनुपृक्षा में धर्म अनुपेक्षा धर्म का चिंतन नीरेंद्र भगवान ने अच्छा अनिल सरिता अजमेरा रोहित अजमेरा उन्होंने भी इंदौर से गोयल नगर से उनका नमस्कार भेजा है। हमारे बीच में अनिल सरिता जी हैं और हमारी परम रखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल दान करती रहती है और अभी उन्होंने बहुत सुंदर फोटो बना करके भेजा मुझे। कमल गंगवा जी ने पूछा कि गुरुदेव फोटो कैसा लगा तो मैंने कहा भाई सरिता अजमेरा ने फोटो भेजा है इतने अच्छे भाव से बनाया है कि गुप्ती नंदी असली गुप्ती नंदी से वो फोटो ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा फोटो सरिता ने बनाया है तो सरिता जी ने बनाया हमारा उनको आशीर्वाद। धर्म अनुपेक्षा यही धर्म अनुपेक्षा है। सुबह से आप उठे भगवान का अभिषेक आप देख रहे हैं छंथरा आप देख रहे हैं विधान आप कर रहे हैं स्वाध्याय आप कर रहे हैं विधान में आपने स्वाध्याय कर लिया। नीरेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया वो कैसा धर्म है धर्म अहिंसामय धर्म है दयामय धर्म है और सत्य इस धर्म का आधार है। इस धर्म की जड़ विनय इसकी जड़ है और क्षमा ही इस धर्म का बल है। ये धर्म ब्रह्मचर्य से रक्षित है उपशम उसकी प्रधानता है और नियति इसका लक्षण है। परिक्रिया रहित बना होना निष्परिक्रिया प्रक्रिया होना इसका अवलंबन है और यदि धर्म की प्राप्ति ना हो धर्म की प्राप्ति के बिना ये जो दुष्कर्म से जायमान निरंतर दुख का अनुभव करता हो यदि अनंत संसार में निरंतर भटकता रहता है। ऑल पीपल वेरी सोरो इन द यूनिवर्स संसार के सारे प्राणी बहुत दुखी हैं विश्व के प्राणी दुखी हैं दे आर wandering circling in the world और ये निरंतर संसार के चक्र में घूम रहे हैं। the karmas around stay for them और जो कर्म है उसे अपनी उंगली की नोक पर घुमा रहा है जैसे कुम्हार एक नोक पर चक्र घुमाता है ऐसे कर्म की नोक पर ये संसारी प्राणी घूम रहा है। परंतु ये धर्म का लाभ हो जाए धर्म का लाभ होने पर नाना प्रकार के अभ्युदयों को प्राप्त करता हुआ आखिरी में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये विशेष फल धर्म का होता है और इसी का चिंतन करना किसका धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर तिरियंच समान। धर्म करत संसार सुख धर्म करते हुए आपको संसार के सारे सुख प्राप्त होंगे और धर्म करत निर्वाण धर्म करते हुए ही आपको निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। धर्म पंथ साधे बिना धर्म को साधे बिना ये संसार जीव जो है वो पशु के समान है नर पर्यंत समान। इस प्रकार का चिंतन धर्म के प्रति श्रद्धा धर्म के प्रति आस्था जो व्यक्ति है ये धर्म ही हमारे संकट अनिष्ट को दूर करता है। मूलाचार्य ने कहा है सब जगत हित करो धम्मो तितंकरे ही आखा दो धन्नात बड़ी बढ़ना शुद्ध मनसा जगे मनया। भगवान तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ ये जिन धर्म सर्व जगत का हित करने वाला है और जो विशुद्ध मन से श्रद्धा भक्ति से ऐसे धर्म का आश्रय लेता है वही संसार में धन्य है पावन है। इस तरह से आप जो भी
छह अनायतनों को छोड़ करके मात्र जिनायतन की आराधना भक्ति कर रहे हैं। जब से कोरोना लगा जूम मीटिंग चालू हुई, तो जूम मीटिंग चालू होने के पश्चात ऐसी माताएं हमारे बीच में हैं कि लगातार एवरी डे वो अपने घर में काम कैसे करती होंगी, कैसे घर में खाना बनता होगा, कैसे खिलाते होंगे और किस प्रकार आप काम कर लेते हैं। आपको शादी में भी जाना है, किसी की अंतिम यात्रा में भी जाना है, सुख दुख में आपको जाना है, घूमने जाना है, उसके बारे में देख रहा हूँ कि डेली ऐसी माताएं हैं, ऐसे बंधु है, मैं श्रावक वर्ग है, जो रोज नियम से भगवान का अभिषेक में भी रहते हैं, विधान पूजन के अंदर भी रहते हैं, शाम की आराधना के अंदर आप रहते हैं। मेरे पास है कम लोग हैं परंतु क्वालिटी में 100-125 लोग हो जाते हैं। पहले 350-400 लोग होते थे, अभी 150-200 लोग हो जाते हैं, कभी यहाँ पर 80-90 लोग रहते हैं, कभी 100 लोग हो जाते हैं, कम है लेकिन क्वालिटी में, क्योंकि आप धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और जो यहाँ पर आ रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वे ही संसार में धन्य है ऐसा कोई को स्वामी लिखते हैं। वे कहते हैं जेणे बाविधम कल्याण परम 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 सुखम सो जृणते पुरुषो। आचार्य भगवान कुंकु स्वामी कहते हैं कि जिसे इस जगत में कल्याणों की परंपरा और परम सुख को प्राप्त करना है, वे पुरुष भाव से, मतलब भावनाओं से, सच्चे मन से जिस भगवान के द्वारा कथित धर्म को स्वीकार करता है, मतलब जिसकी होना रची है, भवितव्य अच्छा है, भावी अच्छी है, पुण्य से भाग रहे हैं, ऐसे पुण्यात्मा जीव ही जिन धर्म की शरण को स्वीकार करते हैं। अनुप्रीता पड़े ने मुझको भेजा है और मैं देखता हूँ अनुप्रीता हो, इनकी माँ हो सविता हो और राजन दोषी हो, ये परिवार पलटन अपलूज का ये बहुत धर्मात्म परिवार है और निरंतर धर्म करते रहते हैं। जो धर्म है, हमारे में धर्म आया कि नहीं आया, कई बार नैना पूछती है कि हम धर्मात्मा है कि नहीं, नैना वाटाणी पूछती है कि हम धर्मात्मा है कि नहीं, मैं कैसे मालूम पड़ेगा। तो धर्म की पहचान क्या है, आप धर्मात्मा है या नहीं, बहुत अच्छे धर्म के इसके अंदर आया हुआ। मूलाचार में भट्टिकेट स्वामी ने लिखा है, रमणलाल ने बिना सोचने दोस्तों भेजा है, मैं उनको भी आशीर्वाद दें, सुनो नैना और जितने लोग आप सुनिए सभी लोग, इतना अच्छा इसमें दिया माता जी, आप भी सुनो उसके बाद चल, बहुत अच्छा इसमें आ रहा है, इतना बढ़िया विषय भी आ रहा है, ये अपने कल्याण के लिए पंडित जी रख के आ जाएंगे तो मिनट बाद में चले जाएंगे। लेकिन हम धर्मात्मा हैं कि नहीं है, हमारे धर्म बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसकी चिंता परीक्षा कैसे हो आपकी, इतना अच्छा इसमें दिया है, सुनो आप ध्यान से। ओ सब दयाय खन्ति बैठै बेरा के जय जय जैसे तते मुख्य सुखम अखीणम भाव्यम होई। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इस जीव के परिणाम उपशम के हो जाते हैं, मतलब हर तरह से खूब परिणाम मिले, ऐसे निमित्त मिले कि जिन निमित्तों से आपके मन में निरंतर क्रोध बढ़े, कषाय बढ़े, ईर्ष्या बढ़े, राग द्वेष बढ़े, विषमताएं बढ़े, लेकिन विषमताओं के निमित्त मिलने के बाद भी, विषमता का कारण मिलने के बाद भी जिनके परिणाम उपशांत रहे, चित्त परिणाम आनंद में रहे, धर्म के रहे, शांति के रहे, तो ये धर्म के उपशम परिणाम। और यदि आपके अंदर प्रत्येक प्राणी के प्रति आप में दया आ रही है तो दया के परिणाम, क्षमा, कोई आकर के जैसे पिछली बार आया था किसी ने हमारे लिए अपशब्द कहे, किसी ने मार दिया, धूल कचरा डाल दिया, प्राण भी ले लिए, और ऐसे लेने वाले के प्रति भी यदि क्षमा भाव रहा, कहा है क्षमा सोवती उस दिल को जिसके पास गरल, मतलब जिसके पास भयंकर जहर है, काल को विष है, और ऐसे जहर को रखने वाला भुजंग, और उसको यदि कोई पत्थर मार रहा है और मारते हुए भी वो सर्प यदि विष नहीं उगलता है, जहर नहीं उगलता है, तो वो इंसान से सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विधि शरण हो, जिसके पास दांत ही नहीं है,
जहर नहीं है और विनिश हो गया दांत नहीं रहता तो विष नहीं रहता अच्छा दांत में तो काट के पता नहीं मरता दांत में विष रहता है दांत है तो दांत के साथ विष जाता है तब काट रहा है जहर के दांत अलग होते हैं दूसरे अलग होते हैं जैसे पूरी गाय में दूध नहीं है गाय के थन में दूध चारा खाती है पर जहाँ गोबर में गोबर जाता है और जहाँ पर दूध इकट्ठा हुआ दूध होता है सप्त धातु की तरह मतलब अपने जो सप्त धातु बन गए बिल्कुल हमारे शरीर है सात धातु उसके अंदर है हमारे अंदर भी जहर है हाँ है ना एक आदमी इतना जहर है कि 60 आदमियों की वो प्राण ले सकता है इतना जहर हमारे अंदर होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे आप परिणाम उपशम होते हैं उपशम मतलब कषायों को दबा रहे ना कषाय शांत माता जी आज दबाया है कल को समाप्त कर देगा जैसे एक बार उपशम समाप्त हो गया तो उपशम से छह उपशम होगा और छह उपशम के बाद वही आगे जाकर कर्म की छह करके छह समय प्राप्त कर देगा ऐसे ही उपशम मतलब चौके में हम गए थोड़ी गड़बड़ हो रही है फिर भी कोई बात नहीं मेरा जितना लाभ होगा उतना हो जाए उपशांत दया प्रत्येक प्राणी पर दया ऐसा नहीं कि जिससे मेरा काम बन रहा है उस पर दया है बाकी को हम जान से मार डाले ऐसा नहीं सब पे दया और क्षमा प्रत्येक के प्रति क्षमा भाव रहना चाहिए अपने प्रति क्षमा हो सबके प्रति क्षमा हो ऐसा नहीं थोड़ी सी बात हो गई और हम मरने चल पड़े मारने चल पड़े आत्महत्या के परिणाम आ गए दूसरे के मारने के परिणाम आ गए तो जान लो कि अभी ये आप अपने अपने प्रति क्रोध हो गया ना बिल्कुल नहीं नहीं अपने को कष्ट देना धर्मात्मा नहीं हो आप कितने स्वाध्याय कर लो कितना उपवास कर लो कितनी माला फेर लो अभिषेक कर लो पूजन कर लो तीर्थ यात्रा कर लो कुछ भी कर लो खूब दान कर लो लेकिन यदि आपके परिणाम मरने मारने के हैं तो आप अभी धर्मात्मा नहीं हो ये आचार्य कुंकू स्वामी मैंने कुंकू स्वामी बोल रहे कि जिसके परिणाम निरंतर शांत प्रसन्न रहे शांत रहे दया रहे सबके प्रति क्षमा रहे और निरंतर वैराग्य बढ़ता जाए इनमें कितने बार ऐसे भाव परिणाम होते होंगे ना कोच के साथ तो वैराग्य जिसका बढ़ रहा है कोच के निमित्त से मिला कुछ ना कुछ दिन भर में व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ निमित्त से क्रोध आ ही जाता ये दुखमा काल है और दुखमा काल में अपन आए हैं तो इस दुखमा काल में निरंतर कुछ ना कुछ परिणाम ऐसे मिलेंगे कि जिनसे हमारा क्रोध मान माया बढ़े लेकिन हमारे ना बढ़े और वैराग्य बढ़ता जाए तो वही मूर्ख धर्मात्मा की श्रेणी में आता आचार्य भगवान कहते हैं संसार विषम दुखी भव गहणी कहवि दिट्ठो चिड़बर दिट्ठो जेठो सम्मुचिंति जो अर्चना कृपा तनुनीश भैया ने आशीर्वाद भेजा है हमारा उनको आशीर्वाद संसार विषम दुखे ये संसार विषम है मोनिका पापड़ी बात उन्होंने भावना भाई है कि उनका आज जन्मदिन है तो कियांश और क्या नाम है मोनिका और उनके मिस्टर पापड़ी परिवार की ओर से जो कि हमारे परम भक्त पवन जी पापड़ी वाले जो कि धर्मतीर्थ के महामंत्री वास्तुशास्त्री हैं उनकी बेटी है बेंगलोर में मोनिका पापड़ी वाल आपने 2 सेमेंट की होली की भावना भरी है तो मोनिका पापड़ी वाल आप सामने आ जाइए आपके वीडियो ऑन कीजिए मोनिका कियांश सौरभ जैन परिवार उनकी ओर से 2 सेमेंट की होली की भावना भरी हुई है हमारा मोनिका को बहुत सारा आशीर्वाद जन्मदिन की शुभकामनाएं आप मोनिका हमारी परम शिष्या है और शुरुआत से जब से 2002 से पवन पापड़ीवाल जी जुड़े हैं तब से मोनिका उनके भाई सुजो उनकी मम्मी सुरेखा और संत परिवार बहुत बढ़िया जुड़ा हुआ है और अभी तो वो परतवाड़ा बेंगलोर के अंदर में पूरे जो और पापड़ीवाल गोधा परिवार है उनको उन्होंने जोड़ दिया है तो मोनिका को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारा उसको आशीर्वाद बेंगलोर में मोनिका है
और उन्होंने 10 मिनट की बोरी के लिए कहा है कि 10 मिनट की बोरी आपकी जो है, ये आपकी बोरी आपका 1000 रुपया हमारे लिए एक खरब के बराबर है और आपको अनंत गुना फल देने वाला है। जो यहाँ पर सीमेंट की बोरी दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो ऐसा पुण्य का संचय कर रहे हैं कि संपूर्ण मंदिर जो बन रहा है, आचार्य कहते हैं कि यदि आप भगवान के दर्शन का चिंतन ही करते हो तो चिंतन करने से 1000 उपवास का फल मिलता है। साक्षात आप चल पड़े तो चलने पर 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। अपने कल विधान पढ़ा था, और जब साक्षात भगवान का दर्शन होता है तब कोटापति अनंत उपवास का फल मिलता है, और यदि दर्शन से इतना फल मिलता है तो जो अपने ओर से मंदिर बनाते, मंदिर बनाने वाले, वो कितना बड़ा फल प्राप्त करेंगे। तो जो अभी सीमेंट की बोरी आपने कहा है, आपने एक तरह से मंदिर अपनी ओर से बना लिया, तो ये मंदिर बनाने का बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद, और भी पिछले शनिवार रविवार जिन लोगों ने भी अपनी ओर से दान किया है उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और देखिए कि अपने नगर में, अपने घर में सारी सुविधाओं के साथ में आपने कोई शायद सोनाली खबड़े जो परिवार से कोई सज्जन है वो शायद भगवान को दर्शन करा रहे हैं, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। अच्छा पैठन पूछे ही है, और पैठन में भगवान श्री विश्वनाथ का दर्शन करा रहे हैं। ओम श्रीराय नमो नमः। हमारा सौभाग्य है कि भगवान का दर्शन हो रहा है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। तो देखिए आप कि जैसे अपने घर में सुविधाएं हैं और घर में आपने चौका बनाया, उसका जो फल होगा उससे कई गुना फल जब आप विहास कराते साधु का, और असुविधा बनती, विषमताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसके बाद भी आप वहां पर निरंतर आहार करा रहे हैं, उसका फल विशेष होता है। और जंगल में जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ऐसे जंगल में यदि आप आहार कराते हैं उसका और बड़ा फल होता है। ऐसे ही अपना गृह चित्त बनाने का फल जितना है उससे कई गुना मंदिर का दान करने का फल होता है, और उससे कई करोड़ गुना फल तीर्थ क्षेत्र का होता है। तो तीर्थ क्षेत्र में अपने ओर से दान देने का बहुत बड़ा फल होता है। अकेले यही नहीं, जहां भी आपके आसपास तीर्थ है वहां भी अपनी ओर से दान कीजिए, संत निवास अपनी ओर से योगदान दीजिए। अभी मंदिर बन रहा है यहाँ पर, तो जिन्हें किया है मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और देखिए आप इसमें आया है कि संसार विषम दुग्गे भव गेणे कहि भीमहंतेणा दिक्षो जिणवर दिक्षो जेठो सम्मोति चिंतेजो। ये संसार विषम है, और इस संसार के विषम दुर्ग में, इस भवन में भ्रमण करते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से जिंदर के द्वारा, भगवान के द्वारा कहा हुआ जिंदर प्राप्त किया है। कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान का धर्म मिला है। इस प्रकार का चिंतन जो करता है उसके धर्मान पीछे चिंतन होता है, और इससे कर्म के संख्या भी निर्णय होती है। संगीता जी ने मुझसे भेजा है, हमारा उनको भी आशीर्वाद। इस प्रकार अनित्यादि अनुपेक्षाओं का सानिध्य मिलने पर, उत्तम समाधि के धारण करने से महान कर्मों का महान संबंध होता है। अनुप्रेक्षा जो 12 भावनाएं हैं, इससे संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है, इसलिए इसको धर्मानुप्रेक्षा कहा है। परिचय जय चरित्र इसको मध्य में रखा हुआ है, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता हुआ ही जीव उत्तम समाधि का अच्छी तरह से पालन कर पाता है और परिचय को जीतने के लिए उत्साहित होता है। हमारे चित्तंतर भगवान भी इसलिए जब भी वैराग्य होता है तो पहले 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और हमें भी अपने यदि वैराग्य जगाना है तो संसार के जो कारण है इनका रहस्य समझना होगा और 12 भावनाओं का चिंतन करना होगा। ये भावना को भावना कौन सी है? 10 दो ये भावनाओ एवं संखे बदो समो दिखा जिणवर्णी दिखाओ भोजन वैरक जिणवी हो। प्रकार संक्षेप में 12 भावना कही गई है, और ये 12 भावना ही वैराग्य की जननी है। आचार्य भगवान कहते हैं अणु देखा ही एवं जो अत्राणम सदा विभावेदी सो विगत सब कमो विमलो विमलालयम दहदी। जो भव्यात्मा इन 12 भावनाओं का हमेशा चिंतन करता है, अपनी आत्मा में 12 भावनाओं की भावना भाता है, वह सर्व कर्म से निर्मल होता हुआ विमल स्थान को प्राप्त करता है। ये 12 भावना का विशेष फल होता है जो अपन पढ़ते हैं हमेशा। अकेले उनको लाइन से पढ़ते जाना 12 भावना नहीं हुई, उसका कहा अनुप्रेक्षा।
अर्थात उन लाइन को पढ़ते हुए उस पर हमारा चिंतन आना चाहिए, अनुमंथन होना चाहिए, अनुप्रेक्षण होना चाहिए। आप जितना चिंतन करोगे, अनुप्रेक्षा भावोगे, उतना ही कर्मों का नाश इसके माध्यम से होता है, संवर्ग होता है, निर्जा भी होती है, ऐसा महान तो प्राप्त होता है। आप लोगों के भावों से आज का विषय सुना, मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद है और जितने जुड़े उनको मेरा आशीर्वाद है। आज का दीपाली जैन नागपुर महावीर दीपाली जैन नागपुर उनकी तरफ से 1100 स्टील के लिए गया था। अच्छा, महावीर नगर में शायद दीपाली महाजैन नागपुर से आपने अपनी ओर से 25 किलो स्टील की भावना भाई है, अर्थात 1100 रुपये उनकी भावना भाई है। तो दीपाली जैन नागपुर को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। महावीर नगर मंदिर के हाँ महावीर नगर पास रहती है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। और अभी समय हो चुका है, आज का यूनिक कोड क्या होगा? और छाया राकेश जैन नागपुर से आपके द्वारा भी 25 किलो स्टील के लिए भावना भाई हुई है। काफी लोग अपनी भावना भा रहे हैं, मेरा सबको आशीर्वाद है। देखिए ये कोड आ गया आज का यूनिक कोड है ना, बराबर ठीक है। तो आप सभी बहुत बहुत होशियार हो गए, आप सभी लोग तो अंतर्यामी हो गए, बताना ही नहीं पड़ रहा। हाँ अवधि यानी भविष्यवेत्ता हो गए आप सभी लोग, सब जानते हैं कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। नंबर सब हो रहे तो देखते हो वो नाम है, सो कोई भगवान है, बिल्कुल कोई नाम है। अब कल हमारा तत्पर सत्र में परीक्षाओं का विषय चलेगा, परीक्षा जय कैसे करें इसमें आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और मेरी ओर से नियम है कि आज आप 17वें तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान का विधान पढ़ के आइए, बहुत ही सुंदर विधान है। कल पुत्र कुंतनाथ भगवान बालाजी का विराजमान है, तो मैं चाहूंगा कि बालाजी नगर कुंतनाथ भगवान के समक्ष ये विधान किया जाए, जहाँ भगवान आदिनाथ जी रहेंगे वहां ध्यान रहेगा और सुंदर लाभ लेंगे। मेरा सबको आशीर्वाद। प्रेमचंद छाबड़ा जैन शंकर जैन कुंभे भरतपुर से राजस्थान से आपने भी एक बोरी सीमेंट की भावना भाई है, तो शंकर जैन कुंभे से हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और निरंतर ये बच्चा भी जुड़ा हुआ है और बराबर हर क्लास के अंदर में रहता है, विधान क्लास के अंदर विधान भी करते रहता है, हमारा उनको आशीर्वाद। अभिमान नहीं करो निवारी है, छोड़ दे संसारी ज्ञान सको राजो रंग सुमति सो करो संग बड़ो उपकारी है, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा खोल अटत करम वंदना वंदप दारी है, तय मनी करो जब हमारा विधि दारो ऐसे मुनि राज जपो वंदना हमारी है, ऐसे मुनि राज जपो वंदना हमारी है, आपको वंदना मारिए। इस काला मुझे भी पूजे भी वंदना भी नमस्ता में कब को कब को बोइराओ सीरम समाय मना इन संपत्तियों मध्य नमस्ते नमस्ते धर्म कारण का बजाना दीपा है धर्म भक्ति से भक्त बोलो वंदे गुरु गगन जय जय गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम श्री पंडित शिवा स्वामी आचार्य अध्यक्ष में गुरु जी ने
आचार्य गुप्त नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य की सब को माला माल कर दिया। पूजा हमारे आप स्वीकार कीजिए, हृदय में मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम भीम परम पूज्य व्यक्ति के दिगंबर जनाचार्य आचार्य को संरक्ष है वही हृदय महाकवि ज्ञान दिवाकर वात्सल्य सिंधु व्याख्यान नाते सिद्धि धर्म क्रांति सूर्य नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आज की सभा यही खत्म होती है और आप सबको अनम्यूट किया जाता है। नमोस्तु गुरुवर। 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 नमोस्तु गुर